भाई तारा सेवक। अगले अगले 7 दिन अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने भाई के लिए जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो। मैं वो बेटा हूं, आपने देख लिया भाई, जिसका जन्म मर्जी वहां पकड़ लो, जिसका जन्म मर्जी कुर्ता पहन लो, उसे फर्क कौन पड़ा है। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं, सबसे पहले देखो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है तो शाम से आप जीत रहे हो, मैं जीत रहा हूं। जैसा आज हूं आपके बीच में हूं, आगे भी वैसा ही आपके बीच में रहूंगा। सीधा संपर्क रखना है अपने को। मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, जिस भाई के पास अभी तक मेरा नंबर ना हो ले लियो, 98-105-46-802 2002 से मेरा यही नंबर है जब से लिया है, आगे भी यही रहेगा, क्योंकि मैं मेरे घर में हूं, मेरे घर में मेरे परिवार के बीच में हूं, इस परिवार का बच्चा हूं और हमेशा आप लोगों के साथ रहना है। अनुभव से ये बात बताता हूं, दादाजी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने हरियाणा में विकास का काम किया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। एक बात में मुझे सुनी, कई बार बोलते हैं कि भाई इस इलाके में भिवाणी में इधर विकास नहीं कराया, ये बात सरासर झूठ है। मैं आपको एक उदाहरण, गांव गांव में मैंने एक उदाहरण दिया है भाई, गांव का सरपंच है, गांव के सरपंच को एक पंच सुबह उठे और गाड़ देनी शुरू कर दे, सांझ नहीं गाड़ दे, फिर सो जा, तड़के उठे फिर सरपंच नहीं गाड़ देनी शुरू कर दे, सांझ ताई गाड़ दे और फिर सो जा, अगले दिन फिर काला चश्मा पहन के फिर सरपंच ताई गाड़ देनी शुरू कर दे, सांझ ताई गाड़ दे और फिर, और उसके बाद फिर सरपंच से यूं उम्मीद करे कि मेरी गाड़ पक्की करेगा। और मैं आपको ये बताता हूं, उस सरपंच ने गाड़ भी पक्की करी है, उन्होंने गाड़ भी पक्की करी है, पर वही बात है जब दिन में 100 बार एक झूठ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तो लोग आके जस जाए। मैं भाई दीपेंद्र मेरा भाई है, मैं आपने बता दूं हम एक के स्कूल में पढ़े हुए हैं, कई बार नुक्कड़ नहीं दीपेंद्र और ये भाई भाई हैं। और आज मैं आपको बताता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से दीपेंद्र जी को एक आश्वासन दूंगा और दीपेंद्र जी से एक आश्वासन लूंगा। आश्वासन मैं ये देता हूं कि ये मेरे इलाके के मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी भाभियां हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। कोई कहते हैं कि अंदरू चला जाएगा, भाई चैनिया में चला जाए, उन्हें इलाके में पहुंच छोड़ा। मैं भाई दीपेंद्र को यह विश्वास दिलाता हूं और आज मैं दीपेंद्र भाई से आश्वासन लूंगा, ये मेरे तोसाम हल्के में विकास में नंबर 1 करेंगे हम पूरे हरियाणा में।